हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे साफ़ी सिरप के बारे में। यह जो सिरप है एक प्रकार का ब्लड प्यूरीफायर है। यह जो है मुख्य रूप से तब यूज़ में लाया जाता है जब आपको कील मुहासे बहुत ज़्यादा हो रहे हों, या फिर आपको स्किन का किसी प्रकार का रोग हो गया हो, या फिर आपको फोड़े फुंसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तब इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसकी पैकिंग भी देख लीजिए, यह इसकी पैकिंग है। और यह जो सिरप है सभी दवा दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। इसमें लाया जाता है जब आपको किसी प्रकार का स्किन का रोग हो गया हो, या फिर आपको फोड़े फुंसी हो रहे हों, या फिर आपको मुहासे हो रहे हों, तब इस सिरप का यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग, इसकी जो क्वांटिटी है यह जो है 100 ml का है, और इसकी जो MRP है 60 rupees है। इसकी जो मैन्युफैक्चर है हमदर्द लेबोरेटरी के द्वारा यह बनाया गया है। और इसकी जो सिरप है वो भी देख लीजिए, ये इसका सिरप है। ये आसानी से सभी दवा दुकान पर मिल जाता है। तो यह जो साफ़ी सिरप है एक प्रकार की यूनानी दवा है, जो कि स्वस्थ शरीर के लिए अपने चमत्कारी गुणों के लिए जानी जाती है। यह जो है हमदर्द का एक आयुर्वेदिक टॉनिक भी है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से ब्लड प्यूरीफायर के रूप में किया जाता है, और इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें तुलसी, नीम और चरायता जैसे प्राकृतिक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो है शरीर के मेटाबॉलिज्म में सुधार कार्य करता है, जिससे कि आपका जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ रह सके या बना रहे। और इसका जो स्वाद है वो कड़वा होता है। तो यह था साफ़ी के बारे में। अब इसकी औषधि के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट या औषधि मिली हुई है, मैं कुछ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी हैं। जो पहली औषधि है वो है ब्रह्मी। ब्रह्मी जो है बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यह जो है आपके बाल को स्वस्थ रखने का काम करती है, और शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालने का काम करती है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है, वो है गिलोय। गिलोय जो है दोस्तों बहुत सारी बीमारी में काम करता है। यह जो है आपके शरीर की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का भी काम करता है, और शरीर से हानिकारक जो तत्व होते हैं उसको भी ये बाहर निकालने का काम करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो है नीम। नीम जो है दोस्तों एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। यह जो है एलर्जी के लक्षणों को रोकने का काम करता है। यह जो है मुहासे को, फोड़े फुंसी को भी ये ठीक करने का काम करता है, और स्किन के रोग को भी ये ठीक करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है तुलसी। तुलसी जो है दोस्तों आपके पाचन का जो कार्य है उसमें यह सुधार कार्य करती है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है चरायता। चरायता जो है आपके शरीर में बढ़ी हुई सूजन को कम करने का काम करता है। यह जो है खून को भी साफ करने का काम करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है सनाय। सनाय जो है दोस्तों अगर आपकी नस कभी चढ़ जाती है तो ये नस को जो चढ़ जाती है उसको ठीक करने का काम करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो है चौपन चीनी। यह जो है सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने का काम करती है। तो ये था दोस्तों इसकी औषधियों के बारे में जानकारी। अब जानते हैं इसका कार्य, दवा कैसे कार्य करती है ये जान लेते हैं। यह जो दवा है मुख्य रूप से खून साफ करने का काम करती है, जिससे कि जो आपका पाचन तंत्र है वो सही तरीके से काम करने लगे। और इस दवा के सेवन से जो आपका शरीर में विषैले तत्व हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, और आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, और आपका जो शरीर है स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता है। इस प्रकार ये कार्य करती है। आप जानते हैं इसका उपयोग कब करना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो पहला उपयोग है वो है मुहासे में। अगर आपको मुहासे बहुत ज़्यादा होते हैं तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको झुर्रियाँ निकल रही हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको खून लगता है कि गंदा हो गया है, खून साफ नहीं है आपका, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको त्वचा का किसी प्रकार का रोग है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको स्किन में किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका पाचन शक्ति ठीक नहीं है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको फोड़े फुंसे की समस्या है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग में ये यूज़ में लाई जा सकती है। तो ये थे इसके उपयोग। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है अभी तक देखने को नहीं मिला है दोस्तों, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवा है। अगर इसका साइड इफेक्ट होता है तो आपको दस्त या उल्टी लग सकते हैं। तो ये
ये थे इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में, इसका डोज लेना कैसा है वो जान लेते हैं। इसका जो डोज है बच्चों को 5 ml लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद, और जो बड़े हैं उनको 10 से 10 ml लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। अब जानते हैं इसमें कुछ सावधानियाँ हैं वो भी जान लेते हैं, जैसे कि अगर आपको इस दवा से एलर्जी है या इसमें जो मिला तत्व है किसी तत्व से आपको एलर्जी है तब आपको इस दवा को नहीं लेना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी इस दवा को आपको नहीं लेना है, और ज़्यादा डोज नहीं लेना है इसका। अगर आप ज़्यादा डोज लेते हो तो आपको दस्त या उल्टी हो सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसकी सावधानियाँ। तो ये था दोस्तों साफ़ी सेहत के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।